जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी टू नंबर्स में जो अक्सर पूछे जाते हैं वो है बताइए क्यों NH3 का क्वथनांक pH 3 से ज्यादा होता है। ये कई बार जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इसलिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए जो इन्हें भी याद रखना बहुत जरूरी है। इसके कुल 3 पॉइंट्स हैं कि NH3 का जो क्वथनांक है वो pH 3 से ज्यादा होता है। तो वो सबसे पहला जो कारण है कि सहसंयोजक बंध NH3 भी बनाता है और pH 3 भी बनाता है, लेकिन इसमें जो H बॉन्ड जो अतिरिक्त जो बॉन्ड बनाता है NH3 वो H बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन ये pH 3 जो H बॉन्ड नहीं बनाता, इसमें सिर्फ सहसंयोजक बंध ही होते हैं। और उसके बाद जो इसमें जो N साइज का जो आकार रहता है वो बहुत ही बड़ा बहुत ही छोटा होता है, और इसमें जो है पी साइज का आकार बहुत ही बड़ा होता है। पी साइज का आकार जो बहुत बड़ा होता है, कहने का फॉस्फोरस अणु का आकार जो इसमें बड़ा होता है, इसमें नाइट्रोजन अणु का आकार जो बहुत ही छोटा होता है। और इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो इसमें जो अमोनिया में जो या NH3 में जो नाइट्रोजन अणु की विद्युत ऋणात्मकता जो बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन फास्फोरस में जो विद्युत भारत फास्फोरस की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बहुत ही कम होती है। इस कारण से जो इसका जो क्वथनांक जो बहुत ही ज्यादा होता है pH 3 के तुलना में, कि सबसे पहला तो ये जो है इनका विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होता है और जो है आकार भी जो है छोटा होता है बहुत नाइट्रोजन का, तो जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है आकार छोटा होता है तो वो जो उसका क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसलिए जो NH3 का जो क्वथनांक ज्यादा है pH 3 से, उसका कारण सबसे पहला कि एस बाउंड बनाता है लेकिन pH 3 एस बाउंड नहीं बनाता। उसके बाद नाइट्रोजन का आकार जो है वो अणु का आकार जो है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन फास्फोरस अणु का आकार जो नाइट्रोजन की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है। उसके बाद जो नाइट्रोजन अणु का जो विद्युत ऋणात्मकता है अमोनिया में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फास्फोरस का जो विद्युत ऋणात्मकता है बहुत ही कम होता है pH 3 में, इसलिए जो NH3 का क्वथनांक जो pH 3 से ज्यादा होता है।